तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग हैं केएम टेक्नोलॉजी के स्कारलेट एसएमपी में। स्कारलेट एसएमपी में केएम टेक्नोलॉजी ने हम लोग को इनवाइट किए। हम लोग एसएमपी का टूर भी आप लोग को बहुत ही जल्दी देंगे। फिलहाल के लिए एसएमपी को हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं और सबसे पहले एसएमपी का इंट्रो लगाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने हमारे साथ दो लोग और खेलते हैं। हमने सबसे पहले केएम टेक्नोलॉजी को बुलाया और केएम टेक्नोलॉजी बाय चांस सर्वर पे थे भी, तो केएम टेक्नोलॉजी भाई हेलो बोल दो और अपने हेलो दोस्तों, वेलकम बैक और स्वागत एक बार फिर से स्कारलेट एसएमपी में। इसमें बहुत सारे बंदे आने वाले, तो ये शायद से उनमें से कोई एक है और इनका नाम है साथ। ये भी हमारी वीडियोस देखते हैं इस एसएमपी में। आप भी भाई ये लो, ये सबको बता दो हम लोग कौन है। तो केएम टेक्नोलॉजी भाई ने मेरे को थोड़े प्लांस पिकैक्स एक्स दो डॉट वो ओकलॉग दिया ताकि हम लोग अपना घर बना सकें। हम लोग ने बोला कि अपना घर बनाना सबसे ज़रूरी है एसएमपी में रहने के लिए। हम लोग ने घर बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ तोड़ने के लिए गए। यूजन ओकलॉग मुझे पेड़ तोड़ के मिले। अब मैंने उनको प्लांक्स में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर मुझे माइनिंग एरिया दिख रही, इसको भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं दो डोर थे मेरे पास, उनको भी लगा देता हूँ। डोर मैंने लगा दिए। अब मुझे घर में आने के लिए जगह चाहिए। मुझे यहाँ पर एक फ्लैट आइस प्लेन बायोम दिखते हैं जो बेसिकली रिवर है जो जम चुके हैं। यहाँ पर मैं 2x2 या 3x3 का घर बनाना चाह रहा हूँ। तो घर बनाना शुरू करते हैं। गाइस मैंने यहाँ पर आधा घर बनाने की कोशिश का प्लान सोच लिया कि कैसा घर दिखेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ। अब मैंने घर का ढांचा तैयार कर लिया। अब आप लोग को थोड़ा आइडिया होगा होगा घर दिख कैसा रहे। घर तो ऐसा कुछ दिखेगा। अब यहाँ पर गाइस हम लोग सबसे पहले फेंस बना लेते हैं, क्योंकि अगर आप रोज बायोम में रहते हो और अगर आपने अपने घर में फेंस नहीं लगाया तो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। क्योंकि हमारे एसएमपी में जितने भी लोग हैं सब ने अपने घर के ऊपर फेंस लगाए। मैं आप लोग को अब फेंस लगाने के बाद घर का दूर से लुक दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने दरवाज़ा बना लिया और दरवाज़ा लगा के आप लोग को थोड़ा लुक दिखा देता हूँ। हम लोग का घर देखने में घोड़े के तबेले जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बहुत ही बढ़िया घर बनेगा। बढ़िया घर बनने के साथ साथ मुझे अभी भी आइडिया आया कि मैं यहाँ पे खिड़की भी बना सकता हूँ। इतना अच्छा आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। अब मैं हर जगह से ऐसी खिड़की बना देता हूँ। अब जब मैं खिड़की बना रहा था तब मुझे आइडिया आया क्यों ना मैं एक बिल्कनी बना दूँ। बिल्कनी इतने छोटे से घर में तो बनेगी नहीं, मुझे सेकंड फ्लोर बनाना था। मैंने सोचा स्टेयर्स की जगह मैं इस्तेमाल कर दूँ ओक प्लैंक्स। ओक प्लैंक्स बनाने के साथ साथ मैंने ओक प्लैंक्स बनाने का सोचा। तब मुझे याद आया कि अगर मैंने पानी रखा जमीन पर तो जमीन कभी भी पिघल जाएगी और मेरा घर पूरा पानी में डूब जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जमीन को डर्ट से भरने का प्लान किया जो कि बहुत सक्सेसफुल आइडिया था। लेकिन तभी जब मैं भर रहा था मेरा घर कंप्लीट होने वाला था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसको कभी नहीं मैंने इमेजिन किया था। जैसे ही मैं डर्ट लगाने वाला था तभी एक ब्लास्ट हुआ। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। गाइस क्रीपर ने पूरा मेरा घर फोड़ दिया। मेरा पूरा मूड खराब हो गया। मेरा आधा घर बन भी चुका था। क्रीपर के मैं पूरे ऐसा घर बनाऊंगा जिसको क्रीपर के फोड़ पाए। ऐसे तो घर नहीं बनाऊंगा, लेकिन ठीक है अपने घर को फटाफट से छोटा सा बना के कंप्लीट कर देता हूँ। गाइस अब जैसे देख रहे होंगे मुझे सबसे पहले सोना मेरे घर पर बननी है, तो मैं केडी भाई के घर चल जाता हूँ, उधर जाके सो जाता हूँ। मैं इनके घर से बेड भी उठा लेता हूँ, अगर किसी को क्या पता चलेगा। गाइस मैंने सबसे पहले बेड भी लगा दिया, घर पर बाउंड्री भी कर दी। बर्फ गिरी है तो बर्फ तोड़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि बर्फ तो गिरी रही है। सबसे पहले मैंने घर की बाउंड्री भी कर ली बर्फ से, थोड़ा डेकोरेशन भी हो गया। भाई है केएम टेक्नोलॉजी भाई को बुलाने का। अरे विलेज में जाने के लिए। ओ भाई ये क्या है? ओ भाई यही तो नहीं, अच्छा यही है घर। ओ भाई अजाका भाई हेलो 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 हेलो। बना लिया, बहुत बढ़िया घर बनाया यार। ये देखो मैंने घर बनाया था लेकिन स्नोफॉल हो गई तो घर का लुक खराब हो गया, लेकिन तभी ठीक है। आओ अंदर आओ अंदर। स्नोफॉल से तो उल्टा और अच्छा दिख रहा है। गाइस आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और ये घर के आगे पानी क्यों छोड़ा है भाई? वो पानी नहीं छोड़ा, वो नदी पे बनाया तो आ जाता है। अच्छा हां, मतलब थोड़ा पिघल गया क्या? वो कभी भी आ सकता है। और भाई अंदर से आप देख सकते हो थोड़ा कॉम्पैक्ट सा घर है, छोटा सा बढ़िया सा। और इधर की तरफ खिड़की है, ये खिड़की है। हां तो सामने सूअर दिख रहा है। सेक्शन के मैंने केडी भाई से प्रोटेक्शन के लिए ऊपर ये बनाया। केडी भाई से प्रोटेक्शन? भाई केडी भाई से डरने की जरूरत नहीं,
कभी टेडी भाई हमला कर देते यहाँ से, हम भी उन पर हमला कर पाएंगे। ओ भाई, आते ही हमले की बात चालू हो गई है और देख सकते हो घर भी एकदम बढ़िया सा बन चुका है। तो गाइस यार, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये घर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और एसएमपी की जो वीडियो गाइस सुनते हैं आप लोग को आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई वीडियो कमेंट्स में बताना कैसी लगी वीडियो। तो फर्स्ट काले एसएमपी का एपिसोड आप लोग बताना आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, मुझे तो बढ़िया लगी, और आप लोग बताना कैसे लगी। केडी भाई और केम टेक्नोलॉजी का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आज की वीडियो देखते हैं, आप लोग को आज की वीडियो पसंद आएगी। सॉरी टाइमिंग, गुड बाय भाई। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।